गैस मैं भी कुछ घर पे कंपोनेंट था तो मैंने सोचा कुछ यूनिक अपन बना के ट्राई करें, तो मैं जल्दी से लग गया अपने प्रोजेक्ट बनाने में। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट बढ़िया लगता है या अपना प्रोजेक्ट वर्क करता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, तो मैं जल्दी से लग गया हूँ एक रिंग टाइप की बनाने पर, जो अपन कॉपर वायर से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाना है अपन को, जो मैं नीचे बना कर रखा हूँ उसी प्रकार से अपन को इसको भी बनाना है। तो मैं इसको भी फटाक से, ये देखो ये बन गया है। अब ये नीचे वाले हिस्से दो अपन को कट करना पड़ेगा, तो मैं फटाक से इसको कर लेता हूँ कट, और देखते हैं। ये देखो कट कर लिया। अब इसको अपन को चाहिए पड़ेगा दो पीवीसी बोर्ड, तो जो मैंने दो पीवीसी पाइप, तो इसको मैंने लगा दिया है कुछ इस तरीके से थर्माकोल सीट पे, कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये अपना हो गया रेडी। अब इसमें अपन को लगाना है स्लो मोटर, जो कि गियर मोटर होती है, तो मैं इसको फटाक से लगा लिया हूँ। गियर मोटर को भी लगा लेता हूँ, चिपका लेता हूँ। ओके, तो मैं फटाक से इसको भी चिपका लिया। अब इसके आगे अपन लगाएंगे जो अपन ने कॉपर की रोड बनाई हुई है ना, उसको लगाएंगे। तो मैं फटाक से उस कॉपर की रोड को कुछ इस तरीके से लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अपन को लगाना है ये एक ड्रोन मोटर, जो हवा अपन को सामने की साइड देगा, और फिर आप देखते जाओ ये क्या अमेजिंग बन के रेडी होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने इसमें कार्टून का टुकड़ा लगाया। अब इसके ऊपर अपन लगाएंगे ड्रोन मोटर, ताकि हवा ये आगे की साइड ही दे। अगर आप समझ चुके होंगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, तो फटाक से इसको भी मैंने चिपका दिया है। अब इसका थोड़ा सा बच्चा है काम, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से इसको कॉपर रोड लगा लिया है। ओके, कुछ इस तरीके से लगाना है। ओके, तो मैंने एक लगा दिया है। अब अपन दूसरी भी लगाना है, तो कुछ इस तरीके से मैं लगा लूँगा फटाक से। तो ये देखो ये ग्लू स्टिक लगा लिया। आपके पास ग्लू स्टिक नहीं है तो कुछ और भी लगा सकते हो, बस चिपकना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया है। अब अपन को करना है इसका कनेक्शन। बस याद रखिएगा कि ड्रोन मोटर का हवा आगे साइड ही देना, ठीक है, नहीं तो फिर अपना प्रोजेक्ट वर्क नहीं करेगा। तो फटाक से मैंने इसका कर लिया कनेक्शन। अब इसमें लगा देंगे अपन एक स्विच, ताकि ऑन ऑफ हो सके। ठीक है, फटाक से मैं इसको भी लगा लेता हूँ स्विच को, ये लगा दिया है। आपके पास ये स्विच नहीं तो आप कुछ और स्विच भी लगा सकते हो, क्योंकि ऑन ऑफ ही होना है। ठीक है, तो मैंने फटाक से लगा दिया है, लेकिन उससे पहले अपन को कुछ इस तरीके से इसको, मतलब इस पर अपन जो मटेरियल रखेंगे, अगर आपके पास ऐसे का कोई ढक्कन वगैरह नहीं है तो आप कुछ और यूज कर सकते हो, बस उसमें कुछ जो मैं डालूँगा इसके अंदर वो डल जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं फटाक से इसको भी चिपका लेता हूँ। ओके, तो ये चिपक गया है। ठीक है, अब अपन इसको चलाकर देखेंगे। उससे पहले अपन को इस पर बैटरी अटैच करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फटाक से मैं बैटरी अटैच कर देता हूँ। ओके, लेकिन उससे पहले अपन को इसमें कुछ शैम्पू डालना पड़ेगा। ओके, हो चुका है। अब अपन को इसमें डालना पड़ेगा थोड़ा सा पानी, तो मैं फटाक से इसको पानी लेके आता हूँ और इसको डाल के घूरना पड़ेगा, ताकि इसमें फिनेल आ जाए। ओके, तो मैं फटाक से ले के आता हूँ। अरे पानी कहाँ रख गया। ठीक है, तो ये मिल गया है। अब इसमें मैंने डाल दिया है पानी। अब इसको अपन को घूरना पड़ेगा, ताकि इसमें फिनेल आ जाए और ये बलून बना सके। अब आप समझ चुके होंगे कि मैंने बनाया क्या है। तो ये हो चुका है रेडी। अब चलो इसको देखता हूँ। लेकिन ये क्या हुआ यार, वो चल तो रहा है, एकदम बराबर काम कर रहा है, लेकिन वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैंने सोचा क्या करूं। फिर मेरे को एक और आइडिया आएगा, इसमें अपन कुछ धागा बांधेंगे ताकि इसमें बलून बन सके और चिपक सके, क्योंकि वो बलून उड़ा भी सके। तो मैं फटाक से इसमें धागा भी बांध लिया और फिर इसको ऑन किया, लेकिन ये वर्क भी नहीं कर रहा था। अपना प्रोजेक्ट हो चुका है फेल इसी बात।